फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश पेडागॉजी में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, जिसका हमने पार्ट वन देख लिया है। आज हमें इसका पार्ट टू देखना है। तो आज की क्लास का इसके अंतर्गत हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, तो वो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं। तो बच्चों को जब अलग अलग प्रकार की, सभी बच्चों के साथ में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। यदि हम नॉर्मली बात करें तो बहुत सारी, यदि अक्षमताओं की बात करें तो अक्षमताओं के अंतर्गत कोई विजुअली, यानी कि किसी को देखने संबंधी, कोई अच्छे से नहीं देख पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो जैसे कि कोई बैठने में, यानी कि कोई यदि क्या बोलते हैं, यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, बीएच कैटेगरी का, या फिर कोई हमारे कोई बीमारी है ना, क्रॉनिक इलनेस है, कोई बीमारी है, तो वो क्या है, वो अधिगम के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई के वक्त आने वाले वो व्यवधान है। लेकिन उसके अलावा बच्चों को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज फेस करनी पड़ती हैं, यानी कि अधिगम अक्षमताएं कुछ बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अब वो क्या है, तो आइए आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले डिसलेक्सिया की बात करेंगे। तो डिसलेक्सिया क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया किसका, यदि हम देखें तो ऐसी किस क्षेत्र की अक्षमता है ये, तो रीडिंग के क्षेत्र की, पढ़ने की अक्षमता है। कैसे, जैसे कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन देयर इज इनएबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड पैराग्राफ। यानी कि हम पैराग्राफ को पढ़ नहीं पा रहे, हम किसी चीज को हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि हमें मीनिंग्स नहीं पता है वर्ड्स की, शब्दों का अर्थ क्या होता है, फ्रेसेस के अर्थ क्या है हमें समझ में नहीं आया, हमें पैराग्राफ लिखा क्या है हमें समझ में नहीं आया। तो क्या हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, क्या हम उसे समझ पाए, नहीं, क्योंकि हमें ये पढ़ने से संबंधित हमें बीमारी है। तो यदि हम देखें कि पढ़ने से संबंधित यदि कोई अक्षमता है तो उसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलिया, कैलकुलेट किस में करते हैं, हम मैथ्स में करते हैं। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित बीमारी है या फिर अक्षमता है, तो मैथमेटिक्स से संबंधित है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच फील्ड, इन मैथ्स फील्ड, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, यानी कि चाइल्ड्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू मैथ्स विल बी अफेक्टेड बाय लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी और अ विजुअल ऑर्डर और डिफिकल्टी विद सिक्वेंसिंग, मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिंपली आप लोगों को क्या याद करना है, आप लोगों को याद करना है कि यदि मैथ्स के क्षेत्र में गणित की यदि अक्षमता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है, ठीक। फिर डिसग्राफिया होता है। तो डिसग्राफिया क्या है, तो डिसग्राफिया लर्निंग डिसएबिलिटी इन राइटिंग। क्या है ये, लर्निंग डिसएबिलिटी इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने से संबंधित, और मेंटल एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि दिमाग में क्या जा रहा है, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो बेसिक राइटिंग डिसऑर्डर रेफर्स टू फिजिकल डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, यानी कि बनाना है ए तो बन नहीं रहा है, ए ऐसे तो मतलब कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल बताने की कोशिश करूँ, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया वो क्या है कि लिखने से संबंध, लेखन संबंधी अक्षमता है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेक्सिया देखा, तो पढ़ने संबंधी अक्षमता थी, रीडिंग की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्राफिया देख रहे हैं, तो राइटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव राइटिंग डिसेबिलिटी इंडिकेट अ स्ट्रगल टू ऑर्गेनाइज थॉट्स ऑन पेपर, यानी कि थॉट्स क्या है उसको आप अपने सजो नहीं पा रहे हो शब्दों में हम सजो नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने थॉट्स को पेपर में लिख नहीं पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, तो ये क्या कहलाती है, डिसग्राफिया कहलाती है। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या है, तो मोटर स्किल क्या होती है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, तो ये सब क्या है, तो जहां पे भी ग्रॉस मोटर स्किल्स,
ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, डिस्प्रेक्सिया, यानी कि दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग और ग्रॉस मोटर स्किल, मूवमेंट से संबंधित है ये डिस्प्रेक्सिया। अ मोटर डिसेबिलिटी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज एन आउटपुट एक्टिविटी, ये क्या मोटर डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, जिसको कभी कभार आउटपुट एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या, इट इज रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग हमको और क्या आउटपुट दे रहा है, चलना है तो क्या हम चल पा रहे हैं, बोल यदि दौड़ना है तो क्या हम दौड़ पाए, हमारा ब्रेन हमको क्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है। टू रन, टू जंप, टू राइट और टू कट समथिंग, द ब्रेन मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द नेसेसरी लिम्स टू कंप्लीट द एक्शन, यानी कि हमारा ब्रेन क्या हमारे मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल से क्या वो संबंधित है, क्या वो उसको बिल्कुल गाइड कर पा रहे हैं कि हमें दौड़ना है तो हम दौड़ रहे हैं, चलना है तो चल रहे हैं, तो ये क्या होती है, तो डिस्प्रेक्सिया होती है, ठीक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है कि हमारा ब्रेन हमको क्या गाइड कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल से संबंधित या फिर मोटर डिसेबिलिटी, इन शॉर्ट बोलो मोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, डिस्प्रेक्सिया की कैटेगरी में आती है। अब तक हमने डिसग्राफिया देखा, डिसकैलकुलिया देखा, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, डिसलेक्सिया सबसे पहले देखा, फिर डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और उसके बाद में डिस्प्रेक्सिया देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्या है, एस्फेशिया एंड डिस्फेशिया। तो एस्फेशिया और डिस्फेशिया क्या है, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि आपको चीजें समझ में आई हैं और आप, तो ये बहुत हद तक किससे संबंधित है कि जो आपको समझ में आ रहा है और फिर उसके बाद में क्या आप उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो कंसिडर एंड आउटपुट एक्टिविटी, तो भाषा क्या कहलाती है, आउटपुट एक्टिविटी कहलाती, क्यों कहलाती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन द ब्रेन एंड कॉलिंग अपॉन द राइट वर्ड्स टू वर्बली एक्सप्लेन समथिंग और कम्युनिकेट विद समवन एल्स। आपके दिमाग में जो है, क्या आप अपने थॉट्स को संजो पाए, क्या आप बोल पा रहे हो, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्या आप शब्दों में उसको उतार पा रहे हो और उसके बाद में क्या आप व्यक्त कर पा रहे हो, क्या आप बोल, क्या आप संचार कर पाए दूसरों से, तो इसीलिए लैंग्वेज को क्या कहते हैं, आउटपुट एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप में थॉट्स तो है, विचार तो है, विचार तो सभी में है, लेकिन क्या वो शब्दों में उतर पाए, क्या वो सही, क्या वो संजो, हम बहुत सारा बहुत चीज बोलना चाहते लेकिन हम संजो नहीं पाते हैं उनको कि क्या बोलना है, कब, कहाँ, कैसे, क्या, किन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स विद द वर्बल लैंग्वेज स्किल, सच एज एबिलिटी टू रीटेल अ स्टोरी, एबिलिटी यानी कि हम सक्षम नहीं है कि जो हमें बताया गया जो भी कहानी तो हम दोबारा उसको बोल दें, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, हम बोल नहीं पा रहे फ्लुएंटली हम बोल नहीं पा रहे, साथ ही साथ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्शंस एक्सेट्रा, साथ ही साथ जो वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्शंस, ये सब होते हैं, तो इससे संबंधित ये जो जितनी भी ये जो सक्षमता है, क्या हम इन सभी को, क्या ये जो डिसऑर्डर होता है हमारा लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग का जो ये डिसऑर्डर है, तो ये यदि इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की यदि हमें दिक्कत हो रही है, यानी कि वो क्या है कि वो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग है, भाषा के संबंध में या फिर हम बोल सकते हैं भाषा से संबंधित वो हमें अधिगम की अक्षमता है वो, ठीक है, भाषा से संबंधित। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है इस कैटेगरी में यदि हम देखें, तो द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सबटल डिफरेंसेस इन साउंड्स और हियरिंग साउंड्स एट द रॉन्ग स्पीड मेक इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, चीजें बोली कब गई, सुनाई कब दी और फिर हम उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि चीजें पहले बोल दी जाती हैं और लिपसिंग बाद में होती है, ऐसा दिखाता है ना बहुत, यदि आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो एन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सबटल डिफरेंसेस इन साउंड्स और हियरिंग साउंड्स एट द रॉन्ग स्पीड मेक इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो सुनाई देने से संबंधित ऑडिटरी प्रोसेसिंग, हमने कब सुना और कब हमारा दिमाग फिर वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कब किया सुनने के बाद, यानी कि रॉन्ग स्पीड
स्पीड कैसी है, फिर उसके बाद में प्रोसेस कैसे किया, वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक, विजुअल प्रोसेसिंग क्या होती है, मिसिंग माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, रिवर्सिंग लेटर्स और नंबर्स, स्किपिंग वर्ड्स, स्किपिंग लाइंस एंड हैविंग प्रॉब्लम्स इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद दूसरी लाइन में पहुंच गए, तीसरी अचानक से कूद गए, यानी कि ये वाला स्किप हो गया हमारे से, बिल्कुल ये वाली लाइन ही स्किप हो गई, यानी कि हियरिंग अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किप, हमने कुछ चीज स्किप छोड़ दिया, कुछ चीज यानी कि माइनर डिफरेंसेस, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये ही चीज हमें, यानी कि वो डिफरेंसेस शेप्स क्या है, क्या है क्या नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहे, तो यानी कि हमारी आंखों को नहीं समझ में आ रहे। ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन कैन अफेक्ट ग्रॉस एंड फाइन मोटर, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स, तो ये सभी चीज को अफेक्ट कर रही है ना, ग्रॉस, फाइन मोटर स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स, सबको। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कब क्या चीज देख रहे हो और उसके बाद में कब प्रोसेस हो रहा है वो, ठीक है, यानी कि पूरी पूरी लाइन छोड़ देना, वर्ड्स छोड़ देना, ये आप डिफरेंसेस को नहीं समझ पा रहे हो कि ये स्क्वायर बना है और ये रेक्टेंगल बना है, क्या रॉम्बस होता है, ये सब हमें नहीं जान रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है वो चीज, आंखों को नहीं समझ में आ रहा है हमारे। ठीक, फिर ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये क्या है, ये किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे अधिगम को क्या करती है, हमारे अधिगम को हैम्पर करती, डिस्टर्ब करती, रोकती है, कैसे, तो चिल्ड्रन विद द ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ऑफन हैव प्रॉब्लम सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिनको ये होता है ना, वो क्या है कि हम अटेंशन, यानी कि हम ध्यान से कर नहीं पाते कुछ भी, हमारा फोकस नहीं रहता, यानी कि हम बहुत देर तक बैठ नहीं सकते, बोलते ना अरे यार क्या बताएं, दिक्कत ये है कि हम बैठ नहीं सक रहे हैं, ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो बोला जाता है ना उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में ये होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई को फिर भी बाधित करती है, ये किसी प्रकार की अक्षमता नहीं है, लेकिन हर किसी के साथ, लगभग बहुत सारे लोगों के साथ, या बैठा मतलब कि कंटिन्यूअसली ना, मतलब कि पढ़ने का तो बड़ा इच्छा होता है, लेकिन क्या बताएं कि सोचते तो 2 घंटा पढ़ेंगे लेकिन 10 मिनट में उठ करके चले जाते हैं, मतलब वो फोकस नहीं बन रहा है हमारा, तो बस वही है। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है, तो डिफिकल्टी इन मास्टरिंग सर्टेन एकेडमिक स्किल्स कैन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम, ये क्या है, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म मे हैव ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जिसको ना ये बीमारी होती है ऑटिज्म, ये जो होता है वो ना मतलब कि घुल मिल नहीं सकते, मतलब उनको ये डिफिकल्टी वो फेस करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करते, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं, लर्निंग जो बेसिक से स्किल है ना उसको भी नहीं सीख पाते, तो ये एक प्रकार की एकेडमिक स्किल्स में लैक यदि कोई कर रहा है तो वो ऑटिज्म का शिकार है। ठीक है, तो सिंपल है ना कि हम ग्रुप के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हैं, हम लोगों के साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें डिफिकल्टी होती है। ठीक है, समझ में आया, तो आई होप आप लोगों को ये जितने भी डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।